नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलखंड एके के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सबको पता चल ही चुका है कि हमारी महान डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस फाइनली LHB कोचेस में बदलने वाली है। लेकिन डेक्कन क्वीन के साथ कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। असली मुद्दे पे आने से पहले मैं डेक्कन क्वीन के LHB कन्वर्जन का एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। बात तब शुरू होती है जब सेंट्रल रेलवे के DRM ने बताया कि डेक्कन क्वीन को LHB कोचेस में बदलने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि साथ में डेक्कन क्वीन के डिपो के बाहरी हिस्सों का भी डिजाइन चेंज किया जाएगा। इसके डिजाइनिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग अहमदाबाद को हायर किया गया और उन्होंने 6 से 7 डिजाइन रेडी करके रेलवे बोर्ड को सौंप दिया। इससे पहले कि रेलवे अपना डिजाइन फाइनल करते, रेलवे जनता की भी राय जानना चाहती थी, जिसके लिए रेलवे ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें जनता अपनी मनपसंद डिजाइन को सेलेक्ट कर सकती थी। जिस डिजाइन को सबसे ज्यादा सेलेक्ट किया जाएगा उसे ही रेलवे फाइनल करेगी। मैंने तो ये वाला सेलेक्ट किया था और मेरे ख्याल से जिन सभी लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने भी यही डिजाइन सेलेक्ट किया होगा। लेकिन बाजी तब पलट गई जब रेलवे ने कोई और ही डिजाइन फाइनलाइज कर दिया। ये डिजाइन आप सब देख सकते हैं जो कि साफ इस सर्वे में मेंशन नहीं था। इस डिजाइन पर कई लोग और रेल फैंस ने नाराजगी जताई है। कोई इस डिजाइन को डेक्कन ओडिसी से रिलेट कर रहा है तो कोई पाकिस्तानी रेलवे के डिब्बो से रिलेट कर रहा है। अब बात ये आती है कि हम क्या कर सकते हैं। हम सब कुछ खास तो नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रल रेलवे रेलवे बोर्ड को हम सब ट्वीट करके अपनी बात कह सकते हैं। अगर सभी लोग मिलकर उन्हें ट्वीट करें तो उन तक हमारी आवाज़ पहुंच सकती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ डिजाइन फाइनलाइज्ड हुआ है, कोचेस पर इस डिजाइन की रैपिंग नहीं हुई है। तो अभी हम सब ट्वीट करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रेल लस्ट, जिन्हें आपने इंस्टाग्राम पर जरूर देखा होगा, उन्होंने ये ट्वीट करने का इनिशिएटिव लिया है #MakeDQGreatAgain लगाकर। आप भी उनका साथ दे सकते हैं रेलवे को ट्वीट करके। बाकी आपका क्या कहना है इस नए डिजाइन को लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहें।